एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन 1 और 2 हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 4.3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2/15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो बच्चों, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अलग होती है। तो देखो, जैसे कि ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अब इसमें क्या होगा, एक कोई भी दो साइड है वो इक्वल होगी और ये साइड है वो अलग होगी, ठीक है। जैसे कि ये मान लो 6 है और ये है वो 8 है और ये भी 8 है, तो ये दोनों साइड इक्वल है और ये अलग होती है। तो इस तरह का होता है ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स है वो इक्वल होती है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो भी उसकी बाउंड्री होता है उसे हम कहते हैं। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड को प्लस कर दो, ठीक है, तो आ जाता है आंसर। तो तीनों साइड को प्लस करने पर आंसर आता है इतना। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे जो भी फाइंड करना होता है उसे क्या हम लेट कर लेते हैं, उसे हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आंसर, लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड को लेट कर लिया हमने एक्स, ठीक है, और पेरीमीटर है इसका फोर टू 15 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, उसको प्लस करना होता है। तो 15 फोर ज़ा 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम करते हैं इसे स्टार्ट। तो एक्स प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू आ गया 62/15। यही तो होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का, तीनों साइड को प्लस कर दो और जो आंसर आएगा वो होता है उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर बताया हुआ है, इन्हें फाइंड करना है। तो एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है। हमेशा वेरिएबल्स ही प्लस या माइनस हो सकते हैं, और या कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसको इससे होगा, ये ऐसा नहीं होता है। आगे क्या होगा, ये जो 62/15 है, एक्स के पास में जो भी चीज़ होती है ना उसे उधर भेज दिया करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर आके -4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 15 and 3। एलसीएम आपको मैंने बताया हुआ, वैसे तो इसका एलसीएम आएगा 15, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये 3 पर, ये 5 पर, 1 पर, 5, 1, 1, 1, तो आ गया 3, 15 आ गया ना, 3 × 5, 15। तो इसका एलसीएम आएगा 15, ठीक है, 15, 62 ही आएगा। देन 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पर, 5 × 4 = 20। देन 2x इज इक्वल्स टू 62 को माइनस करेंगे, 62 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 42, नीचे आएगा 15। अब क्या करेंगे, x इधर ही रहना है तो ये 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसे करेंगे हम डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 42/15 ऊपर है, इधर आके हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे, इसकी कटिंग करते हैं, आ जाओ। तो इसे आप या तो 2 से भी कट कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 3 से भी कट हो रहा है तो इसे 3 से कट करते हैं 5 पर। देन ये 1, 1 12 आ गया, ये आ गया 14 पर, ठीक है। अब देखो, अब ये 14 है और ये 5 से कट नहीं हो रहे, तो ये 1 और 14 आता है 7 पर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/5, ठीक है। ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे। अब हम
मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन वैसे तो आपका आता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, ऐसा होता है इससे डिवाइड करते हैं देन ये 5 1 पर आता है, ये 2 बचा, ठीक है। तो इससे अब हम आगे कुछ नहीं करते, ये क्या करते हैं, जो नीचे है ये बीच में आ जाता है और ये 1 है, सॉरी ये 1 है ये इधर आएगा, ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा और ये 5 है ये इधर ही रहेगा। इसे कैसे करोगे, 5 1 इज 5 into 1 5 + 2 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है, ये एक्सटर्न। तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, ओनली आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए कि उसकी दो साइड्स है वो इक्वल होती है, तो उसकी मदद से आपने निकाल लिया। अगर आप इसे चेक करने चाहते हो तो आप कैसे करोगे, 7 by 2 + 7 by 2 + 4 by 3 को प्लस करोगे, अगर आंसर आपका आता है 62/15 तो आपका आंसर है वो सही है, और इसका आंसर है 62/15 ही आएगा, ये मेरा क्वेश्चन सही है। तो अभी मैं चेक नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो एग्ज़ाम में चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ये था क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।